नमस्कार, जेके न्यूज़ टुडे में आज हम एक ख़ास मुलाकात कर रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी से, जो जम्मू के बहुत बड़े रहनुमा हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जम्मू की लीडरशिप क्यों इतनी उबर नहीं रही है जितना कि उसे उबरना चाहिए था, उनके प्रयास कैसे रहे और उन्होंने क्या क्या खामियां पाई हमारे जम्मू रीजन में लीडरशिप डेवलप होने में, जिसके पीछे एक रैलिंग पॉइंट बने, वो उसमें कैसे रैलिंग पॉइंट बन सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे। चौधरी साहब, आपका स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। तो जैसे मैंने कहा कि हम सबसे पहले इस बात की बात ही करेंगे कि जब भी कोई बात होती है तो जम्मू की लीडरशिप का कोई एक चेहरा वो या तो उबरने नहीं दिया जाता या वो उबरता नहीं है। इसके क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि जम्मू की सियासत में और जम्मू की थिंकिंग में क्या कमी है? मैं समझता हूँ कि जम्मू में कोई लीडरशिप की कमी नहीं है जी। हम लोग काफ़ी हद तक डिवाइडेड लोग हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और यहाँ बहुत ज़्यादा रोल ये है कि हमारे लोगों को ज़्यादा ध्यान रहता है कि हमारे कंट्री का, और कंट्री का सीधा ध्यान रहता है कश्मीर में। नो, ये बात को क्लियर से, तो जम्मू बाईपास हो जाता है। जब कश्मीर पे उनका ध्यान रहता है तो हर पार्टी, ये कोई एक पार्टी सिंगल पार्टी का सवाल है, तो जो भी आया, अगर किसी कोई जनता दल भी आई जो छोटी छोटी पार्टियों में हुकूमत की, तो उन्होंने भी आके कश्मीर को प्लान करने की बात करी। उनको ये नहीं पता लगा कि दो हिस्से और यहाँ हैं, लद्दाख और जम्मू, जिसके कारण लद्दाख ने तो अपने आप को खड़ा किया। वो एक ऐसा एरिया था कि कोई वहाँ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सका, लेकिन कुछ इंटरफेरेंस वहाँ भी हुई है। जैसे आप देखते हो कि लद्दाखियों को अल्टीमेट लद्दाखी बनना पड़ा जी, लेकिन लद्दाखियों के अंदर पॉलिटिकली वहाँ भी बौद्ध और मुस्लिम बनाने का प्लान हुआ, बहुत साफ हुआ, जिसके कारण ये सारी चीज़ें अभी आती हैं सियासत में। तो हमारे इलाके में, जम्मू रीजन में भी इस तरीके से 47 से मैं कहता हूँ आज तक कोशिश की जा रही है कि कई लोगों ने पुंछ रजौरी और पुराना डोडा रामबन डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी इन्होंने पूरा प्लान किया कि उनको प्रिकिंग करके, कि जिसका नाम चनाब वैली करके जी, बेचारी वैली तो थी नहीं जी। दुनिया में अगर सबसे टफ पहाड़ है, टफेस्ट और सबसे पसमानदा अगर एरिया है, तो मैं समझता हूँ पुराना, जिसे डोडा कह सकते हैं जी, मैं चप्पा जानता हूँ। तो कहने का मकसद है कि ये जो प्रिकिंग हुई, जिसका एक्सप्लॉयटेशन बीजेपी के दूसरे लोगों ने की, जम्मू में कुछ एरिया को उन्होंने भी पकड़ लिया जी, ये दो कारण बन गए जिससे जम्मू बजाय इकट्ठे होने के जम्मू को डिविजनाइज कर दिया गया। ये सबसे बड़ी मैं कहता हूँ हमारी तकलीफ का और हमारी मुश्किल का जो खड़ा हुआ वो ये कारण है, असली कारण पे आए, बजाय हम कि हम एज ए जम्मू रीजन के या डोगरा या यहाँ के सारे लोग एक होते तो एक लीडरशिप डेवलप होती, वो लीडरशिप इलाके में डेवलप होना शुरू हो गई, बजाय इधर खित्ते इतने बना दिए, खित्ते बन जाते हैं, जब एक खित्ता है तो एक खित्ते को उस तरीके से लेना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें, उसी वजह से डोगरा सर्टिफिकेट भी चला गया ना, डोगरा सर्टिफिकेट वो कितनी बड़ी बात हुई है कि ये डिवीज़न से ये नुकसान हुआ। हालांकि डोगरा सर्टिफिकेट भद्रवाही लेता है, पाडरी लेता है, किश्तवाड़ी लेता है, सिराजी लेता है, पोगली लेता है, गुज्जर लेता है, बकरवाल लेता है, गद्दी लेता है, पुंछी लेता है, मीरपुरी लेता है, सबको डोगरा सर्टिफिकेट मिलता था, उसका कंसेशन भी, जिससे वो आर्मी में और जगह में एक अपना रुतबा और स्टेटस, हम वो डायलेक्ट हमारे डिफरेंट हैं, लेकिन एक जगह तो हम एक थे, लेकिन वो उन्होंने
इतना दूर कर दिया कि किसी को इस बात के लिए बोलने के लिए भी लोगों को लगा, पता नहीं कोई नया इज्म उभर के सामने आए। तो मैं समझता हूँ इतना लॉस हुआ। हमारे नज़दीक ही यहाँ, यू नो बेटर, क्योंकि आप कठुआ रहे हो, आप सारा देखते हो, ये पंजाब का एरिया गुरदासपुर है, पठानकोट है, होशियारपुर है, तीन ज़िले जिनके पास डोगरा सर्टिफिकेट नहीं था जी। मेरे पास इनके MLA आए, मैंने कहा आप डोगरा लोग अपने सर्टिफिकेट मंगाइए, लोग बच्चे पढ़ती होंगे, हमारे लोगों ने तो बेड़ा कर रही है, बात करिए। तो यहाँ को 18 MLA हैं, ये सारे इकट्ठे होके इस रीजन के चंडीगढ़ में उन्होंने पंगा डाला, आए उनको डोगरा सर्टिफिकेट मिलता है, उनके फौज धड़ाधड़ उनकी भर्ती हुई, ठीक सर। तो ये कारण को आप देखोगे तो मल्टी कारण है। फिर डोमिनेशन किस रीजन की रही, किन की रही, सोच क्या थी, ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। तो ये कारण आपको जब भी कोई इलेक्शन आता है, ये कारण सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये बात को समझना पड़ेगा। और मैं तो बड़ा पर्टिकुलर हूँ, अपनी बात करूँ, आई एम वेरी मच पर्टिकुलर, कि हमारा खिता देश का सबसे इम्पॉर्टेंट खिता है, कि फौज से भरा हुआ खिता, फौज से भरा खिता। अगर अग्निवीर की किसी को हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कष्ट और तकलीफ हुई है वो हमारा जम्मू रीजन, जम्मू रीजन, बाकी किसी को तो हुई नहीं। और लासेस पे आओगे कि हर जगह हमें सट कराई गई, नेशन में भी और तो भी स्टेट में भी। आप डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बात करें जी, टूरिज्म की बात करें, आने ही वाला था। हाँ करें, टूरिज्म डेवलपमेंट, आप MLA रहे, मिनिस्टर रहे, उसके बाद दो बार MP रहे, और इस बार बड़े नैरो मार्जिन से आप जीत से दूर रहे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने ये जो टूरिज़म अथॉरिटीज़ लाई थी जम्मू रीजन के लिए, वो कब और कैसे लाई थी, और उसका क्या असर पड़ा हमारी रीजन की यूनिटी पे? आपको बताएं कि जब मैं तो पहले जानता था कि मैं कश्मीर भी घुमा हूँ, सारे इलाके घुमा। आप एक छोटे से रेडियस में, छोटी सी जगह पे आपको 10 पार्कें मिलेंगी जी। पार्कों का मतलब सिर्फ पार्क नहीं है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कारोबार होगा, खूबसूरती निखार आएगा, नेचर को और बढ़ावा मिलेगा, गार्डनर लगेंगे। आप वो सारा चीज़ें दिमाग में चलती थी जब देखते हैं पेड़ पौधे ये सारा। तो हमने क्या किया, यूं ही मैं लोकसभा में गया तो मैंने ये जानता था कि 2004 में गए थे पहली बार। हाँ जी हाँ जी। तो हमें, मैं जानता था कि हमारे पास एक टूरिज्म अथॉरिटी है, वो है सिर्फ कहाँ, पत्नीटॉप। और पत्नीटॉप का एक सिर्फ छोटा सा टिप्पा प्लेटो है ना, आपको वो सुदमा देव तक थी, ना आपकी सनासर तक थी, ना पीछे का एरिया दोनों तरफ तथा ठंडा पानी तक। ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली जब हमने देखी, तो जब प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बन रहा था मनमोहन सिंह साहब की सरकार में, तो उन्होंने हम MPs को और यहाँ के इंचार्ज जो थे उन सबको बुला के मीटिंग ली, आप बताइए कि आपको क्या क्या करना है जम्मू, कैसे कैसे आपको चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, आप क्या कहना चाहते हो, इस कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में क्या है। तो उस समय बैन लगा था नौकरियों पे, इन्होंने लगाया था नौकरियों पे बैन था। तो हमने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बैन ब्रेक कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है, यहाँ नौकरी के सिवा कारोबारी कोई नहीं, और कोई कारोबारी नहीं है, और जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल एक ही जगह पे एक्सप्लॉइट हो रहा है और दूसरे रीजन में तो कहीं हो नहीं रहा। तो उसी कारण से हमने कहा कि यहाँ हमें टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो हमें दी जाए। फिर मैंने टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी लखनपुर से सरथल तक जी, आप देखोगे लखनपुर से लेके सरथल तो जगह जगह आपको एक बिल्डिंग है टूरिज्म की, जो से डेवलपमेंट का मसला है मिलना शुरू हो गई। आप लखनपुर देखोगे, सतवाई देखोगे, आपको थे देखोगे, बसोली में देखोगे, बिलावर में देखोगे, आप ऊपर चलते जाओ पूंड में देखोगे, सरथल में देखोगे, ऐसे करके अथॉरिटियाँ खड़ी करने शुरू कर दी। दूसरी अथॉरिटी भद्रवा जी, तीसरी अथॉरिटी किश्तवाड़, चौथी अथॉरिटी एक और बनाई हमने, कोई काफ़ी एरिया आइडेंटिफाई, चार और पाँचवीं को एक्सपेंड किया, जिसको पत्नीटॉप को हमने सनासर इंक्लूड किया, सोदमा देव जी सारे किए। तो कहने का मकसद है कि इस अथॉरिटीज़ और अथॉरिटीज़ से करें साथ साथ आप नोट करेंगे कि हमारी जितनी भी खूबसूरत प्लेसेस हैं
मैक्सिमम जितने भी हैं आप देखोगे वहाँ आपको कनेक्टिविटी बिल्कुल माइनस मिलेगी, कनेक्टिविटी नहीं है, जीरो है। तो ये उस पे भी आपने कुछ काम किया था, बहुत क्या था, बहुत ज़्यादा उस पे क्या था कि तो जब आपकी प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना चल रही थी PMJSY, तो उस समय पार्लियामेंट के अंदर मैं जब सारा पढ़ा तो कंट्री की सड़कें आई हैं, मेरी सड़क कोई नहीं। मैं हैरान होता हूँ कि हमारी सड़क नहीं आएगी। कारण क्या कि फर्स्ट फेज में 1000 पॉपुलेशन होगी तो उसको पहले मिलेगी, जब वो 1000 कंप्लीट होगी पूरी कंट्री में तो फिर सेकंड पॉपुलेशन आएगी 500, फिर वो कंप्लीट होगी तो फिर आएगी 250। हमारी ना 500 ना 1000। हमने सोचा कि मेरा ये भी टेनर गया, अगला भी लगा तो वो भी गया। मैंने खड़ा हुआ, मैं बराती थोड़ा आया हूँ मैं यहाँ, आप हम मुझे सड़क मेरी कोई नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ सैर करने तो आए ना मेरे इलाके में। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में 10% सड़कें थी, 90% सड़क नहीं थी। डोडा ज़िला की बात करूँ मैं आपको, उस समय की ज़िला की जो किश्तवाड़ और आपका रामबन है। तो फिर मैंने लड़के झगड़ के, तो ये पहली स्टेट थी देश में, पहली कॉन्स्टिट्यूंसी थी जिसको 250 मैंने कराया। कंट्री में अभी तक 250 चल रहा है, तो मेरा 250 मैंने कराया जब 1000 के साथ, तो उसकी वजह से हमारी कोई कम से कम 86,000 करोड़ रुपया इस इलाके में पूरी एरिया में आया होगा, जो इतना पैसा बल्क में लगा। अभी तक उद्घाटन नहीं खत्म हुए, अभी तक वो सड़कें कंप्लीट नहीं हो पाई, जो कितने 10 साल मुझे छोड़ के 10 अगले भी गुजर गए, 20 साल के काम। और 37 आपको हैरान हो गए, 37 सड़कें ऐसी हैं आप PMJSY के चीफ इंजीनियर से रिकॉर्ड जाके मंगवा लें कि जो सेंक्शन दी वो इन्होंने पास नहीं की, नहीं करवा पाया। क्या क्यों? क्लियरेंस नहीं हो पाई। जब मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर बना तो मेरे ज़माने में जितनी भी आई जो मैंने करवाई थी, जितनी भी थी, आप वो भी रिकॉर्ड देखो कि मैंने सारी की सारी सड़कें फॉरेस्ट क्लियरेंस कराई। और जो मेरे बाद रह गई, अभी वो मैं जल्दी मुझे हटा देते हैं मिनिस्टर, आप जानते हैं, कभी 14 महीने रहता हूँ, कभी हेल्थ में रहता हूँ, कभी फिर आया दोबारा मिनिस्टर बना, फिर हटा दिया, फिर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा तो फिर वहाँ से हटा दिया, मैं तो फंसा रहता हूँ। तो ये एक पॉलिसी है कि ये भी जम्मू की लीडरशिप को मारने और दबाने का कारण है। ये आपको कभी इस पर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपसे ज़्यादा कोई समझदार तो है नहीं है। दूसरी बात, तो वो मैं ये आपको कह रहा था, वो सड़कें 37 सड़कें लैप्स हो गई हैं, आपको मैं बता दूं। और ये सड़कें लैप्स इस दौर में जो अभी का यहाँ हमारा दोबारा नुमाइंदा चुना गया, इतनी तो बदनसीबी हमारी, क्या करेंगे यार। लेकिन एक बात फिर मैं इससे पहले कि बाकी कुछ सवाल पूछूं आपको जम्मू रीजन के बारे में, इस बार आप जीत से दूर रहे, लेकिन 2019 में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनके मुकाबले में आपकी वोट परसेंटेज बहुत ऊपर गई, फिर भी क्या कारण रहा कि कहीं पे चूक रह गई, आपसे चूक रह गई कि यहाँ कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि उनको थाली में खाना परोस के दे दो लेकिन वो मुंह तक नहीं ले पाते, क्योंकि उनका कार्डर काम नहीं करता, उनका ये लोग सब काम नहीं करते हैं। तो क्या वो वजह रही या कोई और कारण रहा? दो तीन कारण बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं कि एक तो ये फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज था ओपनर बैट्समैन समझो, लिल्ली भी सामने है, थॉमसन भी सामने, दे दे। और गाली देता है, अब बॉलिंग कर रहा है, दे दे। है पूरा कंट्रोल है उसका पूरा, ठीक। और वो आउट ना भी करे तभी आउट माना जा सकता है, हालात ये तो थे जब मैंने इलेक्शन लड़ा। मैं 15 दिन जब टिकट का मसला था तो 15-20 दिन मैं दिल्ली रहा, मेरे वो 15 दिन टूटे राइट। और ये आदमी जो इलेक्शन लड़ा भी कंटिन्यू MP है जी। और दूसरे बार इसको टिकट भी अनाउंस हो गई 2 महीने पहले, तीसरी बार तो वो लड़ता है, वो पहले ही घूम रहा है। तीसरी बार ये है कि जब पहला ओवर स्टार्ट हुई है हमारी फेज, फर्स्ट फेज में भगवान राम जी का बड़ा असर था, असर था। हमारी औरतें जो हैं आपको बताएं कि वो मानने को तैयार ही नहीं थी, तो ये बात हमारी औरत कैडर, जो औरत का कैडर है वो कैडर, आप कहोगे कि BJP के कैडर से वोट नहीं मिला है औरतों से, वो औरतों की आस्था है, आस्था है। ये बात मान के चले, मेरी भी आस्था है राम में, वो की वो जो आस्था है कि भगवान राम का मंदिर बनाया इन्होंने। फिर दूसरा नंबर उनके अंदर आस्था है कि
ये सतवा हो रहे हैं, अभी कोई सतवा नहीं है कठुआ में। मेरे ख्याल है कि हर मोहल्ले में सतवा हो रहे थे, और जो यात्रा निकल रही थी आप हैरान होंगे, वो फर्स्ट फेज थी, बड़ी भारी खतरनाक थी। पहले चोल बांट रहे थे घर घर, चोल बांटते बांटते फिर हर मंदिर में एक टीवी लगा तो स्थापना दिखाई गई, तो भाषण दिए गए कि कैसे बना कैसे दिया, लोगों में असर, चाहे लोग थोड़े सुन रहे थे, लेडीज तो सुन रही थी, लेडीज ये बात सुन ध्यान से, तो जहाँ बुजुर्ग जो हमारे बुजुर्ग हैं वो जो घर में बैठते हैं टीवी देखते हैं वो करते हैं, दो बंदे तो एक कैडर ये है, बाकी कहेंगे बीजेपी का कैडर, हमारे कैडर से स्ट्रांग नहीं। मेरे बंदे आप सोच नहीं सकते कि इतने 20 दिन तक, टोटल 20 डे में इलेक्शन लड़ा है, 20 दिन को ये मान के चलना चाहिए, 20 दिन में तीन तो रैली हैं, फॉर्म भरना, तो 16-17 दिन में इलेक्शन लड़ना है। एक रैली कठुआ की है, आप ये भी देखा होगा कि जिस दिन मैं टिकट का मुझे अभी मेरा पार्टी ज्वाइन की तो मैं एयरपोर्ट पे उतरा जी, तो मैं पूरा ये असर राणा प्रताप अपनी तलवार लेके खड़ा होकर आके निकलता है बाहर, मैं उसी तरीके से निकलता हुआ 9 घंटे मेरे घर तक जम्मू लगे, कठुआ तक, जम्मू से कठुआ जलसे करता आया, मैं तैयारी करके आ गया। मैंने सोचा मेरे एक मिनट एक सेकंड जाया नहीं होना चाहिए जी जी। मैं जहाँ पहुँचा 11 बजे में यहाँ फ्री हुआ रात के, मैं नहाया तो सीधा मैं 1 बजे वैष्णो देवी माता के पहाड़ चढ़ रहा था, तो मैं उस दिन फिर वापस आया तो दूसरे ही जलसे शुरू कर रहा था। मैंने जनाब एक सेकंड एक मिनट जाया नहीं किया, उनका फार्म भी भर चुका था, मेरा फार्म भी भरना था, मेरे काग भी बनने थे, मेरी 50 चीज़ें, मेरे पर 50, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन खड़े किए। आपको पता कितनी तरीके कितने अभी मैं भुगत रहा हूँ, कितने मेरे पे प्रोग्राम चल रहे हैं मेरे ऊपर, इस बंदे को मार दो, इसको इनका मन चले तो गोली मार दें, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो दूसरा मैं कह रहा था फर्स्ट फेज इज द मेन काज, और दूसरा लेडीज के ऊपर जो प्रभाव था, तीसरा इन्होंने जो बावे दूसरे इकट्ठे किए और लेडीज के फंक्शन किए। अदरवाइज जो रैली मोदी साहब ने की है, मैं उससे 3 गुना बड़ी रैली की है। मोदी साहब से बड़ा लीडर कौन है, उसकी तो बेब थी उस समय, तो मैंने लेडीज की बेब, तो मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं हर घर में तो जा नहीं सकता था, मैं 18 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो 20 दिन में 18 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 3 जलसे हैं। मैंने क्या किया कि 18 कॉन्स्टिट्यूंसियों को भी मैंने देखा, हर जगह जलसा किया। मैं 10 दिन सड़क पर रहा, मुझे रब की दया से कुदरती एक जहाज उन्होंने दे दी, अगर मुझे मिलता तो शायद मैं इस बोर्ड से भी नीचे चला जाता, क्योंकि मैं लोगों से मेरा तो लोग एमपी को मिलना चाहते हैं, वोट देना चाहते हैं, कुछ लोग बात सुनना चाहते हैं, कुछ बात का असर देना चाहते हैं, एक असर चल रहा है। और कैडर हमारा डेफिनेट कैडर हमारा वीक था, पार्टी को इन्होंने बड़ा लताड़ा है, खासकर सरकारी पार्टी है, इसने तो मुक्त करने की बात करी थी ना कांग्रेस को, जब मुक्त करने की बारी करी थी तो आप देख सकते हो कितना कुछ किया होगा इनके साथ। और जो तीन एक फैमिली जो फैमिली बोलते हैं, जो तीन लोग हैं वो मैं कहता हूँ वो तो शूरवीर हैं, योद्धा हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मैडम सोनी, वो तो मैं कहता हूँ आज के दिल के वही राणा प्रताप हैं, शिवाजी मराठा हैं, कि उन्होंने लोगों ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, सारी दुनिया भागी, राइट। मेरे इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में गुलाम ने याद कांग्रेस की कैंपेन कर रहे थे, उसके पहले अपना खुद कैंडिडेट था, मेरी टिकट खा के, राइट साहब। तो कहने का मकसद है कि इस जो सेकुलर फोर्सेस जो अपने आप को कहते हो, इन्होंने ही सेकुलर फोर्सेस का बेड़ा गर्क किया है, ये बात ध्यान में रखें। तो कहने का मकसद है कि एक तो कारण देखो ना कितने कारण है, फर्स्ट फेज बता दिया लेडीज, और इसके बाद आपका जो लोग और खड़े हुए बीच में जो 40,000 वोट ले गए, और 1,15,000 वोट ऐसा है जो ऐसे गया हुआ है जो किसी को नहीं मिला है, और ये सारी चीज़ें जमा करो, और उसके बाद समय है नहीं, टाइम है नहीं, टमे मेरे में, अगर मेरे पास हार जीत तो चलती रहती है सियासत में, आप मंजे हुए खिलाड़ी हैं इसमें, लेकिन ये जो नतीजे आए हैं, जिस तरह से आपका वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर बाकी जम्मू वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बढ़ा है, बेशक फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंचे, तो आगे आप क्या भविष्य देखते हैं
अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और जम्मू के लिए? मैं एक बात बड़ी क्लियर कट अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि आज जो कांग्रेस आज जो बनी है जी, एक तो अपोजिशन लीडर मिल गया इनको, बात तो दिल्ली में तो रोक नहीं पाएगा किसी को, ठीक, अब नहीं रोक पाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनली उसके राइट है जी, जी। हर जो एजेंसी जो बड़े लोग बनने हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ उसको बैठना ही है, ठीक, बैठाना ही पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है, कोई मांग हुई नहीं। दूसरे नंबर किसी पे अत्याचार होगा तो पार्लियामेंट में आई बात करने वाला जो डरता ही नहीं है, पहली बात है ये बात होगी। तीसरी बात ये है, आज मुझे उस 2004 का सीन याद आ रहा है कि हम उस लेवल पे पहुंच गए जी। आने वाली सरकार में आपको जोशी साहब आपको कह दूं, आने वाली सरकार हमारे ही बलबूते से बनेगी, ये आपको मैं बता दूं। ये इनकी तो बीजेपी की सीट सूट का तो जम्मू रीजन के बारे में आप क्या? मैं जम्मू रीजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जम्मू रीजन में ही सरकार जम्मू से बनती है, सरकार जम्मू से बनती है। कश्मीर में 3-4 टोटे हैं, वो जो बड़ा आता है लाग, वो उसके साथ यहाँ के कांग्रेस का जो वजूद है आज के ज़माने में, पहले तो हम कोई नंबर पे नहीं थे, इस बार हम पूरे नेक टू नेक हैं, नेक टू नेक हैं जी, ठीक है सर। और कई कॉन्स्टिट्यूंसी हम जीती हैं, कई कॉन्स्टिट्यूंसी हमें हारी हैं, बड़े थोड़े मार्जिन से हारी हैं। और उन कॉन्स्टिट्यूंसियों को फिर अब जो असर उस समय था फर्स्ट फेज का, वो आज नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात समझनी पड़ेगी। वो आज वो लोगों में थोड़ा सा उत्साह है, कांग्रेस में भी उत्साह है, और कांग्रेस में इतना उत्साह है जो मैंने देखा है कभी। अब जो कल एक मीटिंग हुई है, इतनी बड़ी मीटिंग हुई है कि एक ऐसे मैसेज देने पे, तो ये बात कहने की है कि लोगों में एक सोच लग रहा है कि हम कुछ तब्दील कर सकते हैं। तो जम्मू में लोगों ने मार खाई है, यूटी बनने के कारण बहुत सी मार खाई है। आप देखोगे जिस जगह कठुआ बैठे हैं जनाब, यहाँ सोच नहीं सकते कि हमारे महाराजा ने यहाँ नहरें बनाई थी जी, और इन्होंने आए नहरों को मॉडर्नाइज करके, पक्का करके, उसकी सीपेज को ख़त्म किया जो हमारे इलाके में पानी निकलता था, नंबर थर्ड। उसके बाद जितनी खड्डे हैं, नाले हैं, सारे हैं, इन्होंने कब्जा कर लिया, बाहर वाले लोगों को दे दिए, और जितनी ब्रूटल तरीके से उखाड़ा जा रहा है, ये छोड़ दो, ये जो सड़क बन रही है इसको बनाने के लिए जो पहाड़ काटे जा रहे हैं, जो कंडी काटी जा रही है, जो जाड़ फॉरेस्ट, क्या होता है फॉरेस्ट, एक होता है सरकारी, एक फॉरेस्ट होता है प्राइवेट। जो प्राइवेट फॉरेस्ट है वो बिकता नहीं, कोई खरीद नहीं सकता, वो जाड़ बोलते हैं, यू नो बेटर लोकल है। तो वो जाड़ जो आपके हाथ से, और उस जाड़ के जाड़ और ज़मीनें लोगों की कितनी जा रही हैं, कतलेआम हो रहा है, या लाख, 1 लाख गाड़ी फेंक दी होगी पहाड़ 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 फाड़ के। तो ये, और दूसरा नंबर इंडस्ट्री, जो हमें ज़रूरत है ही नहीं। जम्मू कश्मीर में कठुआ एक ऐसा इलाका था जो अनुपति इलाका है, जिसका सारे सुबह पहले ज़माने में नाम ले लेते थे कठुआ का, सुबह कई जगह का नाम, आपको पता है कई जगह नाम नहीं लेते थे कि ये प्रोडक्शन वाले इलाकों में, या अनुपति इलाका ये है, बिश्ना है, आरसपुरा है, ये महाराजों ने इस तरीके से इसको बना के रखा था कि हमें फाके के शिकार ना होंगे, इसको प्रोडक्टिव बनाए रखे। मुझे बताओ प्रोडक्टिव एरिया में, दरिया में आपने 1,000, 2,000, 5,000 एकड़ ज़मीन रेड जोन को दे दी। आप खख्याल देख रहे हो, यू नो बेटर, खख्याल एग्रीकल्चर एरिया, सब्जी लगती है, सारा एरिया है, यहाँ ज़मीन इन्होंने आइडेंटिफाई लिया, 60,000 के करीब कनाल आइडेंटिफाई कर लिए। आपका घाटी का एरिया कंडी का एरिया था हमारा, का कंडी है। और आप हैरान होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कानूनी है कि उसके नज़दीक कोई इंडस्ट्री, कोई 4-5 किलोमीटर नहीं लग सकती। इन्होंने भी दरिया के इधर वो है वाइल्ड लाइफ है, और दरिया के इधर ही उन्होंने इंडस्ट्री लगा दी, और इतनी खतरा, मुझे बताइए ना, वाइल्ड लाइफ को उसके बारे में सोचा जा रहा है ना, इंसान के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचना क्या। अभी जो आग लगी हुई है, अभी आपने देखी है, जो आग लगी है इस समय कठुआ ज़िले में 8 जगहों पर आग लगी हुई है, पूरे पहाड़ जल रहे हैं इस समय, किसी को फिक्र तक नहीं है, किसी ऑफिसर को फिक्र नहीं है, किसी सरकार को फिक्र नहीं है। इन्वायरमेंट की बात अपने उधर की शिकागो में जाके 2% कम करेंगे हिंदुस्तान, मुझे लगता जितनी गर्मी इस बार बढ़ी है, इतनी गर्मी, और कठुआ में गर्मी बढ़ी, कठुआ में गर्मी कभी थी नहीं इतनी, थी नहीं। अभी आप यहाँ बाहर बैठे हो, मेरा एक पेड़ लगा यहाँ, मेरे को 40 पेड़ है मेरे घर में लगे, 40 पेड़ है,
और ये मेरे कंट्रोल में है, मैं नहीं काटने देता। जो किसी के कंट्रोल में, जो उनकी तबाही होगी सड़क पे, पूरे के पूरे जो एक मैंने दीवार लगाई थी, ये सड़क बन रही थी, जनाब ने देखा होगा, सड़क बननी थी कि आपने एक नई सड़क बनानी है, प्लान कर रहे हैं जी, यात्रों में जाएंगे, वैष्णो जाएंगे, अमृतसर जाएंगे, आपको ये सड़क बनानी थी तो आपने उसी सड़क पे क्यों सड़क बनानी थी? अलग से बनाई जा सकती, आप अलग से बनाते तो सिर्फ सड़क ही बनाते, सड़क ही। यहाँ आपने क्या किया कि आपने वो प्लेन सड़क बनाते, पुल वहीं बनता जहाँ खड्ड होती, आपने हर मोड़ हर चौक पे आपको मिट्टी के ढेर लगा, और ये मिट्टी के ढेर नहीं है, ये इन्वायरमेंट का सत्यानाश है। यहाँ अगर पैसे खर्च रहे तो पिलरों पे बना देते ना सारी, मिट्टी के ढेर क्यों लगाए आपने? और मिट्टी के ढेर लगा 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 के आपने उसको सस्ती बनाया, आपने सारी इन्वायरमेंट का सत्यानाश कर दिया। जनाब को मेरा कहने का मकसद है, ये सड़क एक तो बेरोजगारी बढ़ा गई, जितनी दुनिया वहाँ कारोबार करती थी सारी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, जितने लोगों के वहाँ दुकानें थी वहाँ के उखड़ गई, और दो साल तीन साल से अभी तक कोई सी बंदे का कारोबार कोई नहीं रहा, लोग परेशान हैं। मुझे बताइए, आप सड़क बना रहे हो, कंपनसेशन की बात करते हो, मुझे बताओ उसका कंपनसेशन कौन पूरा कर पाएगा? जिस बंदे की रोजी रोटी और दुकान थी और काम था, उसका कौन कर पाएगा? ये चीज़ें जो हैं। और फिर दूसरा नंबर, दो एक पूरा साल हो गया ये चंद्रमे पे पहुंचे, चंद्रयान की बात करी, चंद्रयान की बात। मैंने कहा हमको तरना नाला तो क्रॉस नहीं हुआ आपका, ये नाला जो है तरना वाला है, और इन्होंने आप इस सड़क को देखते जाओगे तो कभी ध्यान से देखोगे जितना सब स्टैंडर्ड काम इस सड़क पे हुआ है कहीं नहीं हुआ। आपको जंप वही हो ऐसे ही लगते जाएंगे, भाई नई सड़क बन रही है भाई। फिर टोल इतना महंगा कर दिया, 330 रुपये का टोल हो गया है, वहाँ से उखाड़ा नहीं, बंद किया, बंद नहीं किया, उसके सामने ऐसा बन रहा है कि पुत्र कोई मक्खी नहीं निकल पाएगी, मक्खी तक नहीं निकल पाएगी। तो कहने का मकसद है, जायतियाँ जबरन जो हमारे साथ, जम्मू के साथ, इलाके के साथ, बेरोजगारों के साथ, नौकरी कोई नहीं। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनाता हूँ, आपको एक सिपाही, आप चल पूरी सड़कों पर घूमना जम्मू और इधर ऐसे सड़क में गाड़ी में बैठ के, आपको सिपाही नहीं मिलेगा, आपको दो फीती वाला मिलेगा, तीन फीती वाला मिलेगा। 10 साल से सिपाही भर्ती नहीं हुआ, आपके पास सिपाही नहीं, और ये मिलिटेंसी तो कहाँ पहुँच गई, घर घर पहुँची, कठुआ में भी आएगी क्या? कभी सुनी नहीं थी, आपके लड़के की गर्दन काट दी, तो इल्ज़ाम लग रहा था हिंदू मुस्लिम का, जगाड़ जे चलाना शुरू हो गए थे। मैं उधर चलाया, इस बच्चे को, इस घर बार को नौकरी दो, कारोबार दो, ये मिलिटेंट का काम है, और थर्ड डे वो सैडा में वो पकड़ेगी, तो अभी भी मिलिटेंसी। और मुझे बताइए, इस दौर में जितनी मिलिटेंसी अब जिन इलाकों में नहीं थी, उन इलाकों में सुनने को मिल रही है और बढ़ रही है, और खुद ADGP साहब कह रहे हैं कि वहाँ रेड अलर्ट, वहाँ आप संभल के रहिए, वहाँ अटैक हो सकती है। यार आप लोगों को सुनाता कौन है? अगर कोई सुनाता है पकड़ाता क्यों नहीं? आपकी इन्फॉर्मेशन है तो बंदे पकड़े क्यों नहीं जाते? तो ये सारी चीज़ों को आप लास्ट पे मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, जो जिस पे मैंने शुरू किया था कि जम्मू के लिए आपका विजन क्या है। आपने कहा विजन्स हैं, इन विजन्स को आप कैसे ख़त्म करेंगे, क्या रोल आप करेंगे, आपकी पार्टी करेगी? ये प्लेन्स और हिल्स का मसला है, हमारे जो सब रीजन्स बना दिए हैं ट्रॉपिकल, सब को कैसे करना है, ये आप मेरे को अपना विजन बताएं। मैं एक तो आपको बताना चाहता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जम्मू जो जितना एरिया है, इट शुड बी यूनाइट। इसके यूनाइट करने में मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, आप देखेंगे आप जी। मैं डोडा जाऊंगा, मेरी इंपॉर्टेंस वहीं उतनी है, यहाँ जाऊंगा वहीं उतनी है। ये ठीक था कि समय बेकार था, किस्मत माड़ी थी, तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन इसके लिए मैं, मेरी पार्टी पूरा प्रयास करेंगे कि जम्मू को हम यूनाइट कैसे कर सकते हैं, और जो जो उनके मुद्दे हैं वो हम जानते हैं, जैसे वो हो सकते हैं वो हम भी जानते हैं, पार्टी भी जानती है। अब काम करने की क्षमता किस में है, कितनी है, वो हमें बहुत दिखानी है, वो करना है। हमारे खास करके जो हमारी इस समय जम्मू रीजन में बेरोजगारी का इतना संगीन मसला है, संगीन मसला है। एक तो यो आपका आर्मी वाला जो मसला है, अग्निवीर वाला, इस मसले पे लड़ना है,
वी मस्ट यूनाइट, हमारा इस प्रोविंस सारे इसमें इन्वॉल्व है। और दूसरा नंबर जो हमारी अननेसेसरी इंडस्ट्री जो हमें चाहिए नहीं, ना इंडस्ट्रीज हम हैं, ना इंडस्ट्री के अंदर लेबर हम हैं, ना मैनेजर हमें गिनती करिए। और ये सड़क बन रही है एक ना हम कंपनी है, ना यहाँ टिप्पर डंपर शाबल पोकलैन ड्रेगलैन, ना इंजीनियर कोई बंदा हमारा नहीं। हमें जम्मू को हमारे इलाके को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ मैं बन जाता तो मैं कंपनियों को इस बात के लिए तो सीधा करता, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे लोगों को काम चाहिए, हमें उनसे फैसिलिटी नहीं चाहिए। जैसे 250 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉन बाढ़ में किसी को उधर मिला है, कहीं बीफ का पैसा है, कहीं कंपनियों का पैसा है, ये हमें उस चीज़ पे नहीं जाना। हमें जाना किस पे है कि लोगों की डेवलपमेंट, लोगों की बेहतरी और लोगों का भाईचारा और पीस। एक चीज़ है लाल सिंह जी, मैं इसी लास्ट क्वेश्चन से ऐड करूँगा कि दिल्ली भी तो हमारे साथ फेयर नहीं रहा जम्मू वालों के साथ। मैं इसके आपकी तायद करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मुझे इस बात का कोई परवाह नहीं है। दिल्ली को जितना मैनुपलेट, एक्चुअली शेख साहब के ज़माने से हो गया, सिंपल सी बात है। उनको लगा कि जो कश्मीर है वो कोई है ही नहीं, वही लद्दाख है, वही जम्मू है। अदरवाइज जम्मू ने ही कश्मीर बनाया था, जम्मू ने ही लद्दाख बनाया था। ये राजाओं के खिलाफ जो एजिटेशन जो सिस्टम बना उस ज़माने में, वो ख़त्म नहीं हुआ, इनका ख़त्म नहीं हुआ। हमारे राजे तो प्रॉपरली रिप्रेजेंट तो कर नहीं पाए जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, जबकि बाकी रियासतों ने किया। आज देखिए वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो इलाके भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो अब राजस्थान को देख लीजिए और भी जगह देख लीजिए। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस रीजन का जो भाईचारा है, और इन्होंने कोशिश की उस भाईचारे को ब्रेक करने की, पोलिटिकलाइज किया, तोड़ने की कोशिश की। और ये आप सोचोगे कि सिर्फ बीजेपी ने काम किया है, अब बीजेपी ने काम एक फिरके को किया है, दूसरे फिरके को किसने किया है, ये दोनों चीज़ें सामने पड़ेंगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपस में झगड़ा पैदा किया किसने किया है, इलाके पर जो डोडा किश्तवाड़ पुंछ राजौरी को बर्बाद किया किसने किया है, सेब नहीं उनको मिलेगा, बल्गेरियन इटालियन और अमेरिकन सेब का पेड़ नहीं मिलेगा, है जहर मिलेगा उनके लिए, वो सैफरान उनके किश्तवाड़ की सारी जगह इनक्रोच हो गई, यहाँ सैफरान था और कहीं और बढ़ नहीं पाया, वो नहीं मिलेगा वहाँ, उनको कारोबार की बात नहीं होगी वहाँ। जितने डैम बनेंगे उनके लोगों को, उसके इलाके के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, आप नोट करेंगे पैसा कोई और खा जाएगा, है वहाँ के लोगों को गैंग कुली तक नौकर तक नहीं लगने दिया जाएगा। ये प्लान चलता रहा, लेकिन इसके लिए हम लड़े भी हैं और आगे भी लड़ेंगे। हम अपने लोगों को ये नहीं है कि पार्टी को रियलिटी बतानी सबका जरूरी काम है। लाल सिंह जी, एक सवाल जो मेरे आखिर में ही है, मतलब ये आखिरी सवाल ही है, मैं आखिरी सवाल 3 बार बोल चुका हूँ, लेकिन कश्मीर के साथ भी तो जम्मू के रिश्ते रहने चाहिए, क्योंकि जम्मू एक यूनाइटिंग फैक्टर, यकीनन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो कश्मीर का जो कश्मीरी है और पॉलिटिशियंस में फ़र्क है, कभी ये दोनों देख लें। और कश्मीर ने आज तक इतना वोट ही नहीं डाला अपने पॉलिटिशियनों को, तो जब नोटा की बात करते हो वो तो नोटा नहीं डालते हैं, डालते नहीं। ये बात किसी ने आज तक अंडरस्टैंड किया है क्या? मैं जीत गया तो मैं MLA बन गया, मुझे वोट है नहीं, मैं मिनिस्टर बन गया, मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, मैं 2000 वोट का चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, आपके पास ये इतिहास है। तो जम्मू में ये चीज़ नहीं है, ये फ़र्क नहीं। अब कश्मीर की पीड़ा किसको देखनी है, उनको इंडिविजुअली देखें, लेकिन उसकी पीड़ा के साथ जम्मू तो नहीं इन्वॉल्व किया जा सकता ना। अब और जम्मू का रिश्ता उनके साथ तो खराब नहीं हो सकता कि अगर कश्मीर की पीड़ा ठीक हो जाए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जम्मू की ब्रिज का रोल प्ले करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर हमारा मुकुट है, हम उसको मुकुट मानते हैं, उसको मानते हैं। यहाँ तक खूबसूरती का सवाल है, कश्मीर भी खूबसूरत है, भद्रवाह भी खूबसूरत है, किश्तवाड़ भी खूबसूरत है, डोडा भी खूबसूरत है, बनी बसोली भी खूबसूरत है, पुंछ राजौरी भी खूबसूरत है, और हमारा जो प्लेन एरिया है इसकी अपनी खूबसूरती, अपनी खूबसूरती है, हैं। जहाँ बैठे हो कटल है, कटल का पेड़ है, यहाँ कटल लगे हुए हैं, यहाँ चीकू लगा हुआ है, यहाँ आम लगे हुए हैं, ये सामने चिनार खड़ा है, मुझे बताओ पूरा सेकुलरिज्म जहाँ खड़ा किया है, मेरे घर में आप देखोगे तो सागवान यहाँ खड़ा पेड़ है। तो मैं कह रहा हूँ
लोकल भी यहाँ है, ये ऐसा एरिया है हमारा, मैं जो जिस मिट्टी से हूँ, इस मिट्टी में हर प्लांट लग सकता है, तो मुझे हर इंसान से प्यार क्यों नहीं हो सकता, ये मोहब्बत हमारी है। तो मैं सबको अपील करूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीस रिस्टोर, और दूसरा नंबर रिस्टोर करने से पहले आप देखिए कि आपने नौकरियां 10 साल में बच्चों को दी नहीं। हम फर्स्ट नंबर पे पहुंच गए हैं, हम ही सेकंड कह रहे हैं ना, फर्स्ट नंबर पे पहुंचे। जम्मू में क्राइम था क्या, कभी सुना था? कभी चैन स्नेचिंग सुनी थी? दिन दिहाड़े डाके बजते सुने थे? बंदे कटे हुए मिलते थे वहाँ? अभी आपको डेड बॉडीज मिलती थी जो, और रास्ते में लोगों को लूटपाट हो रही है मिलती थी, नशा चिट्टा इतना मिलता। 2014 में तो चिट्टे का नाम भी नहीं था, मैं भी नहीं जानता था चिट्टा क्या चीज़ है। ये 10 साल में ये चीज़ें बढ़ी हैं, तो लोगों को खुद सोचना है कि हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी है, बेरोज़गारी ख़त्म करनी है और भाईचारा बढ़ाना है, तो ये सारा कारण जिनकी वजह से उनको हटाना पड़ेगा। वेरी क्लियर, थैंक यू चौधरी लाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। मुझे के न्यूज़ टुडे धन्यवाद देता है चौधरी लाल सिंह जी को, जो कि जम्मू की बात करते हैं और कैंडिडेट बात करते हैं बिना कुछ लुकाए छुपाए। थैंक यू।